हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। मायसेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर संतोष नपते, वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, संभाजीराव केंद्रीय महाविद्यालय जळकोट, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, आज 7 जून जागतिक अन्न सुरक्षा दिन, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है। और हर एक साल में ये जागतिक अन्न सुरक्षा दिन की जो थीम है ये अलग अलग रहती है, और इस साल जो थीम है वो है सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो। मतलब आज अगर हमें सेफ फूड मिल जाएगा तो भविष्य में हमारे जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी हम फूड्स परचेस कर रहे, बाजार से खरीद रहे, उसमें कुछ मिलावट ना हो, क्योंकि इस फूड्स में अलग अलग तरह की मिलावट की जाती है और इसकी वजह से हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए या फिर हमें पता होना चाहिए कि हम जो फूड्स, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ग्रेन्स हो, जो हम बाजार से खरीद रहे उसमें मिलावट है या नहीं, या फिर उसमें एडल्ट्रेशन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फूड एडल्ट्रेशन, है या नहीं। तो ये पता करने के लिए हमें कुछ टेस्ट भी मालूम होनी चाहिए। और हम हर एक बार जो हम बाजार से फूड परचेस कर रहे हैं वो हम लैब में तो भेज नहीं सकते, इसीलिए अगर हमें कुछ जो हम घर पे टेस्ट कर सकेंगे वो अगर हमें मालूम हो जाए तो हमारे लिए जो फूड हम परचेस कर रहे हैं वो एडल्ट्रेटेड है, मतलब उसमें कुछ मिलावट है या नहीं, ये हम घर पे ही मालूम कर सकें। तो आज का जो वीडियो है ये वीडियो मैं उसी टेस्ट पे बना रहा हूँ जो आपके घर पे ही आप ये टेस्ट कर सकते हैं, और जो फूड्स आप बाजार से परचेस कर रहे हैं उसमें मिलावट है या नहीं ये आप जान सकते हैं। तो अगर हम ये खबरदारी लेंगे तो ये इस साल की जो थीम है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, दैट इज सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो, तो इससे हम अंजाम दे सकेंगे और हमारी हेल्थ अच्छी रख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आज का जो ये वीडियो है फूड एडल्ट्रेशन पे और जो फूड की जो मिलावट हो सकती है, फूड में जो मिलावट हो सकती है, ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और उनकी भी हेल्थ भविष्य में अच्छी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट टेस्ट, और वी कैन से होम टेस्ट विच विल बी यूज्ड टू डिटेक्ट द फूड एडल्ट्रेशन इन और फूड एडल्ट्रेशन। तो चलो हम अलग अलग टेस्ट यहाँ पे आज देखते हैं जिसकी सहायता से हम हमारे घर पे ही हमारे जो फूड्स हमने परचेस किए हैं उसमें मिलावट है या नहीं ये हम जान सकें। So let's start the different home tests which are used for the detection of food adulteration. So ये जो भी टेस्ट है ये हम घर पे कर सकते हैं और जिसकी सहायता से हम पहचान सकते हैं कि हमने जो फूड्स परचेस किए हैं उसमें कुछ मिलावट है या नहीं। सिंपल टेस्ट है, आपको जरूर ये पसंद आएंगे और आपके घर पे ये कर सकेंगे, और इस साल के जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की जो थीम है दैट इज सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, तो ये हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे, उसको इस थीम को हम अंजाम दे सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप शेयर कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट दैट पर्टिकुलर टेस्ट फॉर डिफरेंट फूड्स। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे अलग अलग फूड्स को हम ये टेस्ट देखने वाले हैं, जिसमें सो लेट्स स्टार्ट विद द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो पहले जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे जो होम टेस्ट है हमारे, उसमें हम देखेंगे हमारे जो दूध एंड दुग्धजन्य पदार्थ, या फिर उसे हम कहते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इसमें हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ वाटर इन मिल्क, उसके बाद हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स इन मिल्क, देन डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि खोया, पनीर, इसमें
अगर स्टार्च की जो अगर मिलावट की जाती है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे वो हम देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम डिटेक्शन ऑफ मैश्ड पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज एंड अदर स्टार्चेस इन घी और बटर। तो ये चार टेस्ट हम इस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ वाटर इन मिल्क। तो आप सभी को पता है कि जहाँ भी हम दूध परचेस करते हैं उसमें कुछ ना कुछ पानी वहाँ पे डालते हैं, तो ये सिंपल टेस्ट है, डायरेक्टली वी कैन सी दैट वेदर दैट वाटर इज एडेड इन दैट मिल्क और नॉट। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जस्ट यू हैव टू पुट ए ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन ए पॉलिश्ड स्लैंटिंग सरफेस। एक स्लैंटिंग सरफेस के सरफेस पे आपको जो मिल्क सैंपल है आपका, मतलब जिस मिल्क में आपको चेक करना है कि इसमें पानी की और पानी ऐड किया है या नहीं, मतलब पानी की मिलावट है या नहीं, तो उसके लिए आपको एक स्लैंटिंग पोजीशन पे जो सरफेस है स्लैंटिंग रखा हुआ उसके आपको एक दूध का एक या दो ड्रॉप आपको पुट करने हैं। और प्योर मिल्क अगर वो उसमें कुछ पानी नहीं डाला है तो दैट स्टेज और फ्लोज स्लोली लिविंग द वाइट ट्रेल बिहाइंड। तो वो ड्रॉप से मतलब जो मिल्क आपने वहाँ पे एक या दो ड्रॉप डाले है तो धीरे धीरे बहुत स्लोली वहाँ पे वो फ्लो हो जाएगा और वहाँ पे एक वाइट मिल्क की जो ट्रेल है वो वहाँ पे आपको दिखेगी अगर ये मिल्क प्योर है तो। अगर इस मिल्क में पानी डाला गया है या फिर एडल्ट्रेटेड है तो दैट जो वाटर मतलब अगर जो है तो दैट विल फ्लो इमिडिएटली, जो दूध है जिसमें पानी की मिलावट की है तो वो फास्ट ऐसे मूव हो जाएगा और उसके पीछे जो है तो वहाँ पे कुछ भी व्हाइट मार्किंग वहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये हम डायग्राम से आपके समझ में आएगा यहाँ पे। तो ये देखिए ये प्योर मिल्क है और जैसे भी आपने यहाँ पे ये पॉलिश सरफेस है, ब्लैक पॉलिश सरफेस, और यहाँ पे अगर आपने जो मिल्क है आपका आपको चेक करना है तो एक दो ड्रॉप अपने रखने के बाद और स्लैंटिंग पोजिशन पे है तो ये मूव हो जाएगा और उसके पीछे जो है वहाँ पे एक ऐसी व्हाइट ट्रेल वहाँ पे आ जाएगी। ये तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो मिल्क है ये प्योर मिल्क है, इसमें पानी बहुत कम डाला है या फिर नहीं डाला है। लेकिन अगर उस मिल्क में पानी रहेगा या फिर डाला गया है तो इसके पीछे ये जो मूव हो जाएगा मिल्क, लेकिन इसके पीछे एक तो ये मूवमेंट जो है ये फास्ट हो जाएगी और उसके पीछे ये जो ट्रेल है यहाँ पे वो नहीं रहेगा। ऐसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रेल नहीं है, जो ब्लैक सरफेस है पॉलिश सरफेस वही आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये व्हाइट ट्रेल आपको नजर आ रही है। तो इसका मतलब है ये प्योर मिल्क है और ये एडल्ट्रेटेड मिल्क है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत आसान टेस्ट है और ये आप आपके घर पे ही कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं बाद में जो आपका दूध वाला है उसे आप बोल सकते हैं कि भैया इसमें पानी की मिलावट ज्यादा है, ये देखो हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप उनको बोल सकते हैं, ये हो गई टेस्ट डिटेक्शन ऑफ वाटर इन मिल्क। उसके बाद जो है डिटेक्शन ऑफ डिटर्जेंट इन मिल्क, क्योंकि कुछ फायदे के लिए मिल्क में दूध में डिटर्जेंट की भी मिलावट की जा सकती है, तो इसीलिए हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम जो दूध खरीद रहे हैं उसमें मिलावट है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यू हैव टू टेक 5 to 10 ml ऑफ सैंपल विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब सेम क्वांटिटी में आपको 5 या 10 ml वाटर आपका मिल्क सैंपल लेना है और उसी मतलब वही 5 to 10 ml आपको वाटर लेना है। देन यू हैव टू शेक द कंटेंट्स थोरोली, आपको वो जो कंटेंट्स है वो आपको मतलब मिक्स करने हैं, शेक करने हैं। और अगर उस मिल्क में डिटर्जेंट ऐड किया है तो वहाँ पे एक डेंस लैदर फॉर्म होएगा, मतलब जो सरफेस पे वो डेंस लैदर वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अगर वो मिल्क प्योर है तो जो लेयर फॉर्म हो जाएगी वो थिन लेयर रहेगी ड्यू टू एजिटेशन। तो ये डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है प्योर मिल्क एंड एडल्ट्रेटेड मिल्क, ये प्योर मिल्क की डायग्राम है जिसमें अगर डिटर्जेंट ऐड नहीं किया है तो ये जो यहाँ पे सरफेस पे आपको जो लैदर दिखेगा वो लेयर दिखेगी वो थिन लेयर रहेगी। इसका मतलब है इस मिल्क सैंपल में डिटर्जेंट ऐड नहीं किए, इस मिल्क सैंपल में डिटर्जेंट की मिलावट नहीं है। अगर मिल्क में डिटर्जेंट की मिलावट है तो आपको ये जो सैंपल आप मतलब वाटर के साथ मिक्स करोगे सेम क्वांटिटी में और उसको शेक करने के बाद अगर मिल्क में डिटर्जेंट रहेगा तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है सरफेस पे ये थिक लेयर आपको दिख रही है, ये
तो इसका मतलब है आपके घर पे जो मिल्क आया है उसमें डिटर्जेंट की मिलावट है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि मिल्क में डिटर्जेंट की मिलावट की है या नहीं। तो ये हो गया हमारा सेकंड टेस्ट जिसमें हम देख रहे हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की। और इस सेकंड टेस्ट में हम देखा है कि वेदर देयर इज अ डिटर्जेंट इज एडेड इन मिल्क और नॉट। सिंपल टेस्ट है। उसके बाद हम तीसरी टेस्ट देखेंगे डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जैसे कि खोआ है, पनीर है, इस और मिल्क में अगर स्टार्च ऐड किया है या नहीं, स्टार्च की मिलावट है या नहीं, इसे पहचानने के लिए भी हमारे पास एक टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है। और ये है जिसमें हमको जो मिल्क सैंपल हमारा है चाहे उसे हमें बॉइल करना है, 2-3 ml मिल्क सैंपल लेके हमें 5 ml वाटर में डाल के वो बॉइल करना है, उसके बाद उसे कूल करना है। और कूल करने के बाद हमारे घर पे जो हम टिंचर आयोडीन रखते हैं उस टिंचर आयोडीन के 2-3 drops हमें उस मिल्क सैंपल में ऐड करने हैं। अगर टिंचर आयोडीन ऐड करने के बाद अगर वहाँ पे ब्लू कलर आ गया तो इसका मतलब है उस मिल्क में स्टार्च ऐड किया गया है, उस मिल्क में स्टार्च की मिलावट है। और जब आप अगर मिल्क वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर खोआ या पनीर यूज़ कर रहे हैं और अगर मिल्क खाली आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो देर इज एडिशन ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब वाटर ऐड करने की या फिर उसको बॉइल करने की आपको जरूरत नहीं है, खाली मिल्क सैंपल लेने का और उसमें 2-3 drops टिंचर आयोडीन की डालने के। अगर वहां पे ब्लू कलर आ गया है तो इसका मतलब है इस मिल्क में स्टार्च की मिलावट है। तो ये डायग्राम है, ये प्योर मिल्क है, सैंपल हमने लिया है और इसमें टिंचर आयोडीन डालने की बात भी अगर ब्लू कलर नहीं आ रहा है इसका मतलब है ये जो दूध हमारे घर पे आया है ये प्योर दूध है या फिर उसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है। अगर मिल्क में स्टार्च ऐड किया गया है और जब हमारे घर पे वो दूध आने के बाद अगर हम उसमें से थोड़ा सा दूध लेके निकाल के अगर हम उसमें टिंचर आयोडीन डालेंगे तो वहाँ पे हमें अगर ब्लू कलर मिल गया या फिर उस दूध का ब्लू कलर हो गया तो इसका मतलब है इस मिल्क में, इस दूध में स्टार्च वहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये तीसरी टेस्ट हो गई डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि खोआ और पनीर। उसके बाद हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ मैश्ड पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज एंड अदर स्टार्चेस इन घी और बटर। तो इसके लिए जो मतलब घी और बटर में भी मिलावट की जा सकती है, उसमें जो पोटैटोज में स्टार्च होता है, स्वीट पोटैटोज में स्टार्च होता है या फिर अदर फॉर्म में जो रहता है स्टार्च वो भी उसमें मिलावट की जा सकती है। तो ये भी हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे घर पे घी है, बटर है उसमें या फिर लाया है हमने उसमें ये स्टार्च की मिलावट की है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू टेक 1/2 teaspoon ऑफ घी और बटर इन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉल। एक बॉल में ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉल में आपको 1/2 चम्मच घी और बटर लेना है और उसमें आपको 2-3 drops टिंचर आयोडीन के डालने हैं। तो यहाँ पे भी अगर घी और बटर में स्टार्च की मिलावट की है तो आपको ब्लू टिंचर आयोडीन डालने के बाद ब्लू कलर मिलेगा और दैट इंडिकेट्स दी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन घी और बटर। अगर आपको वहाँ पे ब्लू कलर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है वो जो घी है या फिर बटर है इसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है। तो इस डायग्राम से, ये दो फिगर से आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि प्योर घी कौन सा है और एडल्ट्रेटेड घी कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो इस अगर प्योर घी रहेगा तो उसमें टिंचर आयोडीन डालने की बात भी ब्लू कलर वहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब है स्टार्च की मिलावट वहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर उस घी में स्टार्च की मिलावट पहले से है और अगर आपने टिंचर आयोडीन डालने के बाद वहाँ पे अगर ब्लू कलर आ गया तो इसका मतलब है इस घी में और बटर में स्टार्च की मिलावट है या फिर वो घी प्योर नहीं है। तो ये हो गई हमारी चौथी टेस्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए और जिसमें हमने देखा है कि हाउ टू डिटेक्ट द मैश्ड पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज एंड अदर स्टार्चेस इन घी और बटर। उसके बाद हम देखेंगे जो एडल्ट्रेशन किया जाता है ऑयल एंड फैट्स में वो हम या फिर उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो इस ऑयल एंड फैट्स के अंदर हम दो टेस्ट देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ अदर ऑयल्स इन कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल में जो दूसरे जो ऑयल्स है उसकी मिलावट की जा सकती है। या फिर दूसरा हम देखेंगे TOCP का मतलब है ट्राई ऑर्थोक्रिसिल फॉस्फेट, जो पॉइजनिंग है, हाईली पॉइजनिंग।
तो ये ऑयल में कैसे इसकी मिलावट है या नहीं हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ अदर ऑयल्स इन कोकोनट ऑयल, जो हमारा कोकोनट ऑयल है उसमें अदर या फिर दूसरे जो ऑयल्स है वो उसकी मिलावट है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जस्ट यू हैव टू टेक अ कोकोनट ऑयल इन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास, ग्लास बॉल में, ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉल में आपको कोकोनट ऑयल लेना है। उसके बाद ये जो ग्लास है उसको आपको 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है, फ्रीजर में मत रखो इसे, जस्ट कीप इट इन ए रेफ्रिजरेटर। एंड आफ्टर 30 मिनट्स क्या होता, कोकोनट ऑयल गेट सॉलिडिफाइड। अगर वो कोकोनट ऑयल प्योर है तो उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि हम हमारे विंटर सीजन में देखते हैं कि कोकोनट ऑयल क्या हो जाता है, वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसका। तो इसका मतलब है ये कोकोनट ऑयल प्योर है। ओके, अगर कोकोनट ऑयल में दूसरे ऑयल की मिलावट की गई है तो दैट कोकोनट ऑयल इवन आफ्टर कीपिंग इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर 30 मिनट्स दैट रिमेन लिक्विड, वो ऑयल ही रहेगा, लिक्विड में ही रहेगा, एंड दैट इज अ सेपरेट लेयर। जो मतलब कोकोनट ऑयल में मिलावट है तो जो कोकोनट ऑयल है वो सॉलिडिफिकेशन उसका हो जाएगा, और जो दूसरा ऑयल अगर उसमें मिक्स किया गया है तो वो लिक्विड में ही रहेगा। तो दो लेयर वहां पे फॉर्म हो जाएंगी, एक कोकोनट ऑयल की लेयर तैयार हो जाएगी और दूसरी अदर ऑयल की। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ये देखो ये प्योर कोकोनट ऑयल है जो 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद पूरा सॉलिडिफिकेशन हो गया उसका, और ये बनावट या फिर मिलावट जो कि कोकोनट ऑयल में की गई है और 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद यहाँ पे देखो ये जो कोकोनट ऑयल है ये सॉलिडिफाई हो गया और वो नीचे गया, और जो मिलावट जो ऑयल है वो लिक्विड फॉर्म में रह गया अपर लेयर में। तो इसे हम पहचान सकते हैं कि कोकोनट ऑयल में जो दूसरे ऑयल की मिलावट की है या नहीं की है। उसके बाद हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ TOCP मतलब ट्राई ऑर्थो क्रिसाइल फॉस्फेट इन ऑयल्स एंड फैट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यू हैव टू टेक 2 ml ऑफ दैट ऑयल सैंपल एंड यू हैव टू ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ एलो बटर, सॉलिड एलो बटर उस ऑयल में आपको ऐड करना है जिसमें आपको देखना है कि इसमें TOCP ऐड किया मिलावट है या नहीं। और उसके बाद इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्राई ऑर्थो क्रिसाइल फॉस्फेट। सिंपल टेस्ट है जिसमें इसमें क्या करना है आपको कि आपको खाली एक ऑयल लेना है सैंपल, 2 to 4 ml ऑयल सैंपल आपको लेना है, और उसके बाद आपको वहां पे येलो बटर डालना है। येलो बटर डालने के बाद अगर वहां पे रेड कलर आ गया है तो इसका मतलब है इस ऑयल में मिलावट है किसकी, ट्राई ऑर्थो क्रिसाइल फॉस्फेट की। अगर वहां पे कुछ चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब है ये जो ऑयल है ये प्योर ऑयल है। सी दिस इज द डायग्राम हियर, ये प्योर ऑयल है और जिसमें जिस ऑयल में वो येलो बटर डालने के बाद भी रेड कलर नहीं आया, इसका मतलब ये ऑयल प्योर है या फिर इसमें TOCP की मिलावट नहीं है। लेकिन अगर ऑयल में TOCP की मिलावट है तो येलो बटर डालने के बाद ये जो कलर है ऑयल का ये चेंज हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, तो दैट इंडिकेट्स देयर इज अ एडल्ट्रेशन ऑफ दिस TOCP इन दैट ऑयल। तो ये हो गई दूसरी टेस्ट हमारी। उसके बाद हम देखेंगे शुगर एंड कन्फेक्शनरी, क्योंकि हमारे जो जागरी है, शुगर है या फिर पीटी शुगर है उसमें भी मिलावट की जा सकती है, या फिर जो हनी हम मार्केट से परचेस कर सकते हैं, या फिर आप रास्ते पे देखते हो कुछ लोग वहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि ये हनी बेच रहे करके, तो हमें उस हनी को देख के पता नहीं चलता कि उसमें कुछ बनावट और मिलावट है या नहीं। तो हम यहाँ पे 3 टेस्ट देखेंगे शुगर एंड कन्फेक्शनरी के अंडर। तो पहला टेस्ट जो है हमारा वो है डिटेक्शन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन हनी, हमारे हनी में शुगर सॉल्यूशन की मिलावट की है या नहीं, ये टेस्ट कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, आपको एक पानी का ग्लास वहाँ पे लेना है, उसके बाद यू हैव टू ड्रॉप और यू हैव टू ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ द हनी इन दैट ग्लास, उस ग्लास में हनी के कुछ ड्रॉप्स आपको ऐड करना है। अगर वो हनी प्योर है सो दैट विल डिस्पर्स इन वाटर, तो यहाँ पे वो ऐसे अगर वो हनी प्योर है तो ये इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, ओके? लेकिन अगर उस हनी में कुछ मिलावट है सो दैट इफ द ड्रॉप ऑफ दैट हनी डिस्पर्सेस इन वाटर सो इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एडेड शुगर,
अगर उसमें हनी में मिलावट नहीं है सो दैट विल नॉट डिस्पर्स, वो हनी ऐसे ही रह जाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब जो हनी आपने परचेस किया है वो प्योर है, लेकिन अगर वाटर में इस तरह से घुल जाएगा तो इसका मतलब है दैट हनी इज एडल्ट्रेटेड और उसमें कुछ मिलावट है और दैट इंडिकेट्स द शुगर और प्रेजेंस ऑफ शुगर। ओके, तो ये हो गई डिटेक्शन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन हनी, सिंपल टेस्ट है। उसके बाद हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ, ये सेकंड टेस्ट है, ये टेस्टिंग मेथड वन हमने देखी है। दूसरी एक मेथड है कि हनी में शुगर की मिलावट है या नहीं ये चेक करने के लिए, तो आपको क्या करना है, टेक ए कॉटन विक और विच इज डीप इन द प्योर हनी एंड लाइट विथ ए मैच स्टिक। आपको क्या करना है, कॉटन जो रहेगा वो आपको प्योर हनी में मतलब उसे मिक्स करना है, डीप करना है और उसके बाद आपको उसको मैच स्टिक्स के जलाना है। सो व्हाट विल हैपन, अगर वो हनी प्योर है तो वो बर्न हो जाएगा, ओके और अगर वो हनी एडल्ट्रेटेड है तो प्रेजेंस ऑफ वाटर विल नॉट अलाउ द हनी टू बर्न एंड इफ इट डज सो इट विल प्रोड्यूस अ क्रैकिंग साउंड। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये सेकंड टेस्ट हो गए यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन हनी। उसके बाद हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ चॉक पाउडर इन शुगर, पीटी शुगर एंड जागरी। शुगर में, पीटी शुगर में या जागरी में चॉक पाउडर की मिलावट है या नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे, तो आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर आपको लेना है, उसके उसमें आपको 10 ग्राम आपका जो सैंपल है वो आपको डिसॉल्व करना है उस वाटर में। अगर शुगर, पीटी शुगर या जागरी में चॉक पाउडर की मिलावट है तो दैट जो एडल्ट्रेंट है वो बॉटल में, जो ग्लास के बॉटम में वो सेटल हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो सेटल नहीं होगा वहां पे। ओके, सी दिस इज द प्योर दैट शुगर सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल और पीटी शुगर सॉल्यूशन यहाँ पे, और अगर उसमें कुछ मिलावट है तो वहां पे वो सेटल हो जाएगा। तो इस तरह से हम, सो दैट एडल्ट्रेंट इट विल गेट सेटल टू द बॉटम, तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि चॉक पाउडर वो शुगर में, पीटी शुगर में या फिर जागरी में ऐड किया है या नहीं, या फिर उसमें मिलावट है या नहीं। तीसरी जो मेथड है और टेस्ट है यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम यूज इन सिल्वर लीव। आप जब स्वीट मार्ट पे जाते हो तो आपको वहाँ पे फॉइल रहता है, सिल्वर फॉइल या फिर वहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल भी हो सकता है, तो ये एल्यूमिनियम फॉइल है या फिर सिल्वर फॉइल है, तो ये हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको क्या करना है कि यू हैव टू टेक सम पोर्शन ऑफ द लीफ एंड क्रश इट बिटवीन टू फिंगर्स। आपको जो सैंपल है आपको पहचान है कि ये एल्यूमिनियम लीव्स है या सिल्वर लीव्स है, तो आपको कुछ पोर्शन वो लीफ का लेना है और आपको टू फिंगर में ऐसे वहाँ पे क्रश करना है। अगर वो प्योर सिल्वर लीव्स है तो वो इजीली क्रश हो जाएगा एंड वो पाउडर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो एल्यूमिनियम लीव्स है तो उसका ब्रेकिंग हो जाएगा लेकिन वहाँ पे पाउडर फॉर्म नहीं होगा, तो ऐसे स्मॉल छोटे छोटे पीसेस वहाँ पे तैयार हो जाएंगे एल्यूमिनियम लीव्स के। और उसके बाद जो सिल्वर लीव्स है उसको आपको एक बॉल में कन्वर्ट करना है, छोटे से बॉल में, और आपको उसको बर्न करना है फ्लेम में। अगर बर्न करने के बाद वहाँ पे अगर प्योर सिल्वर लीव्स है तो वो पूरा के पूरे बर्न हो जाएंगे एंड उसके बाद में आपको जो ग्लिसनिंग बॉल वहाँ पे तैयार हो जाएगा, अगर वो सिल्वर लीव्स का है तो। अगर लेकिन वो एल्यूमिनियम लीव्स का है तो वहाँ पे वो आपको ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायग्राम सी, ये एल्यूमिनियम लीव्स, सिल्वर लीव्स, अगर उसको आपको आपने दो फिंगर्स में क्रश किया तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में उसको आपको बॉल में, बॉल उसको बनाने के बाद और उसको बर्न करने के बाद अगर वो सिल्वर लीव्स रहेंगे तो इस तरह से ग्लिसनिंग बॉल्स वहाँ पे तैयार हो जाएंगे, ये ग्लिसनिंग जिसमें चकाकी है या फिर शाइनिंग है। और अगर वो एल्यूमिनियम लीव्स है तो क्रश करने के बाद आपको छोटे छोटे पीसेस वहाँ पे मिल जाएंगे, और उस छोटे छोटे पीसेस को बर्न करने के बाद वहाँ पे अगर एल्यूमिनियम लीव्स है तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे या ऐसे ऐश में। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि सिल्वर लीव्स कौन से है और एल्यूमिनियम लीव्स कौन से है। नेक्स्ट है हाउ टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एडल्ट्रेशन है या नहीं ये हम कैसे पहचानेंगे, तो इसमें हम तीन टेस्ट देखने वाले हैं। पहले जो है डिटेक्शन ऑफ मेलाचिट ग्रीन इन ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि अगर हमारी सब्जी ये
हरी दिखेंगी तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अच्छी लगेगी और वो परचेस करेंगे। तो इसी ये जो सब्जियां है हरी सब्जियां है, इसे हरी दिखाने के लिए वहां पे कुछ आर्टिफिशियल कलर उसमें मिक्स किए जाते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल कलर हमारे बॉडी को बहुत डेंजरस है। इसीलिए हमें ये टेस्ट मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें कुछ मिलावट है या नहीं आर्टिफिशियल कलर्स की। तो ये तीन टेस्ट हम देखेंगे। पहला हम टेस्ट देखेंगे डिटेक्शन ऑफ मेलाचिट ग्रीन इन ग्रीन वेजिटेबल्स। टेस्ट मेथड, दो टेस्ट मेथड हम यहाँ पे देखेंगे। पहले है आपको एक कॉटन पीस लेना है सोक करके वाटर में और वेजिटेबल ऑयल में, ओके। उसके बाद यू हैव टू रब द आउटर ग्रीन सरफेस ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट ग्रीन वेजिटेबल और सीड। तो आपको ये रब करना है ग्रीन सरफेस पे, जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल, आपको चेक करने की इसमें मेलाचिट ग्रीन की मिलावट है या नहीं, ओके। अगर कॉटन का जो पार्ट है अगर वो ग्रीन हो गया है तो इसका मतलब है ये जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स है इसका ग्रीन कलर नेचुरल नहीं है, इसमें कुछ मेलाचिट ग्रीन का वहां पे लेयर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है ये जो वेजिटेबल्स है ये एडल्ट्रेटेड है। ये देखो डायग्राम, सी प्योर अगर ये ग्रीन कलर है सब्जी का तो उसमें कुछ कॉटन कलर को कुछ कलर नहीं लगेगा, लेकिन मेलाचिट ग्रीन का कलर अगर उसको मिक्स किया गया है, मिलावट हो गई है, तो ये ग्रीन कॉटन जो है ये उसको ग्रीन कलर वहां पे आ जाएगा। तो ये हो गया एक टेस्ट। सेकंड जो टेस्ट है हमारा टेस्टिंग मेथड, उसमें हमें क्या करना है, यू हैव टू टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सैंपल एंड प्लेस ऑन ए पीस ऑफ मॉइस्टन व्हाइट ब्लॉटिंग पेपर। जो आपका जो सैंपल है उसको आपको मॉइस्ट किया हुआ ब्लॉटिंग पेपर पे रखना है, और अगर उस ब्लॉटिंग पेपर के अगर ग्रीन कलर आ गया तो इसका मतलब है ये एडल्ट्रेटेड है। सी दिस डायग्राम हियर, ये ग्रीन वेजिटेबल से प्योर जिसमें कुछ मिलावट नहीं है ग्रीन कलर की, मेलाचिट ग्रीन की, लेकिन यहाँ पे ग्रीन दैट मेलाचिट ग्रीन की मिलावट है, इसीलिए ये जो ब्लॉटिंग पेपर है ये थोड़ा सा ग्रीन हो गया है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इसमें मेलाचिट ग्रीन की मिलावट है और ये प्योर है। नेक्स्ट मेथड है हमारी और टेस्टिंग मेथड है डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल कलर ऑन ग्रीन पीस। ग्रीन पीस पे भी आर्टिफिशियल कलर उसको दिया जाता है जिसकी वजह से वो ग्रीन पीस और ग्रीन दिखे और कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है, यू हैव टू टेक लिटिल अमाउंट ऑफ दैट ग्रीन पीस इन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास। ग्रीन पीस थोड़े से आपको ये ट्रांसपेरेंट ग्लास में लेने हैं, बाद में उसमें आपको वाटर ऐड करना है और उसको उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है एंड उसे आधे घंटे के लिए आपको वैसे ही रखना है। तो क्लियर सेपरेशन ऑफ कलर, अगर उस वाटर में कलर का पूरा सेपरेशन हो गया है तो इसका इंडिकेशन क्या है कि ये ग्रीन पीस एडल्ट्रेटेड है, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिक्स किया है। ये डायग्राम देखो, ये प्योर है, वाटर में आधा घंटे रखने के बाद भी ये जो वाटर है वो उसमें कुछ भी ग्रीन कलर नहीं आएगा प्योर अगर हो गया है तो। लेकिन अगर ये ग्रीन पीस को आर्टिफिशियल कलर दिया गया है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वाटर में आधा घंटा रखने के बाद ये जो ग्रीन पीस है उसका कलर इस वाटर को आ जाएगा एंड दैट वाटर गेट टर्न टू ग्रीनिश कलर। तो इसका मतलब है ये जो ग्रीन पीस है ये एडल्ट्रेटेड है और इसको आर्टिफिशियल कलर दिया गया है। उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ रोडामाइन बी इन स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में रोडामाइन बी ऐड किया है या नहीं, मिलावट है या नहीं, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल मेथड है, यू हैव टू टेक कॉटन बॉल विच इज सोक्ड इन वाटर और वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में और वाटर में सोक किया हुआ वाटर कॉटन बॉल आपको लेना है, ओके। और उसके बाद यू हैव टू रब द आउटर रेड सरफेस ऑफ द स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का जो अपर का पोर्शन है रेड पोर्शन, उस पे वो कॉटन बॉल आपको रब करना है। अगर उस कॉटन ने जो कलर ऑब्जर्व किया तो इसका मतलब है देयर इज अ यूज ऑफ रोडामाइन बी फॉर द कलरिंग ऑफ दैट आउटर सरफेस ऑफ द स्वीट पोटैटो। क्योंकि ये जो कलर रहता है ये रेड कलर, ये नेचुरली अगर रह गया नेचुरली है तो कॉटन बॉल को रेड नहीं हो जाएगा वो कॉटन बॉल, लेकिन अगर रोडामाइन बी अगर उसको दिया है
उस स्वीट पोटैटो को, तो कॉटन का जो कलर है वो रेड हो जाएगा इस तरह से। ये प्योर स्वीट पोटैटो है, कॉटन उस पे रब करने के बाद भी ये कॉटन का कलर नहीं चेंज हो जाएगा या फिर रेड कलर उस पे नहीं आएगा। लेकिन अगर वो स्वीट पोटैटो एडल्ट्रेटेड है तो वहाँ पे कॉटन कलर, कॉटन जो बॉल जो है वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहचान सकते हैं कि ये स्वीट पोटैटो जो है ये प्योर है, और ये जो स्वीट पोटैटो है ये रोडामाइन बी से उसे कलर दिया गया है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो ये हमें हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है, क्योंकि कौन सा भी केमिकल अगर हमारा बॉडी में जाए तो दैट विल बी डेंजरस टू आवर बॉडी। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस। तो यहाँ पे ये 5 टेस्ट है सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस में। तो पहले हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ पपाया सीड्स इन ब्लैक पेपर। तो ये मार्केट में ऑलवेज हमेशा हो जाता है कि जो ब्लैक पेपर है, काली मिरी हम जिसमें करते हैं, तो उसमें पपाया सीड्स की मिलावट वहां पे की जा सकती है। तो ये यहाँ पे हम दो टेस्ट मेथड देखेंगे कि इसमें ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स की मिलावट है या नहीं। तो पहले क्या करना है आपको, यू हैव टू ऐड सम अमाउंट ऑफ ब्लैक पेपर टू ए ग्लास ऑफ वाटर। सिंपल टेस्ट है, एक पानी से भरा हुआ ग्लास में आपको जो ब्लैक पेपर है उसको उसमें आपको डालना है। ये ब्लैक पेपर पानी से भरे हुए ग्लास में, अगर वो ब्लैक पेपर प्योर है दैट विल सेटल टू द बॉटम, वो बॉटम में जाएंगे। अगर वो ब्लैक पेपर में कुछ मिलावट है, फॉर एग्जाम्पल पपाया सीड्स की मिलावट वहां पे की जा सकती है, सो दैट पपाया सीड्स की अगर वो ब्लैक पेपर में मिलावट है तो जो ब्लैक पेपर है वो बॉटम में जाएंगे और जो पपाया सीड्स है दैट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। बहुत ईजी टेस्ट है ये, सिंपल है। देखिए प्योर अगर ब्लैक पेपर है वो पूरे के पूरे बॉटम में चले गए, और जो पपाया सीड्स अगर उसमें मिलावट की गई है तो ये जो पपाया सीड्स है वो क्या हो जाएंगे, ये वाटर सर्फेस पे वहाँ पे फ्लोटिंग हो जाएंगे। तो हम इजीली पहचानेंगे कि उसमें मिलावट है या नहीं। उसके बाद टेस्ट मेथड टू, यू हैव टू स्प्रेड दैट स्पाइसेस ऑन ए व्हाइट पेपर एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द सैंपल यूजिंग दैट मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के उस पर ऑब्जर्व करना है। तो ब्लैक पेपर का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन रहता है एंड इट हैज रिंकल्ड सरफेस। मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्लैक पेपर कैसे दिखेंगे, आपको ब्राउन कलर दिखेगा और उसको उस पे सरफेस पे रिंकल्स दिखेंगे एंड उसका जो स्मेल है एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहेगा एंड पंजेंट टेस्ट रहेगी। और पपाया सीड्स दे हैव श्रंकन स्मूथ सरफेस एंड ओवल शेप। ओके, और इट इज ग्रीनिश ब्राउन और ब्लैकिश ब्राउन। तो ये आपको ऐसे दिखेंगे, ये ब्लैक पेपर है रिंकल्ड है और ये कलर आपको अलग अलग दिख रहा है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर सॉल्युबल सिंथेटिक कलर्स इन चिली पाउडर। चिली पाउडर में आर्टिफिशियल कलर भी मिक्स किए जाते हैं, तो ये भी हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है। तो आपको क्या करना है, कैसे पहचानेंगे कि चिली पाउडर में मिलावट है या नहीं, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्प्रिंकल दैट चिली पाउडर ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर टेकन इन ए ग्लास टम्बलर। जो ग्लास टम्बलर में पानी से भरा हुआ लिया है हमने, और उसमें आपको क्या करना है, वो चिली पाउडर आपको स्प्रिंकल करना है। अगर उस चिली पाउडर में आर्टिफिशियल कलर्स ऐड किए गए हैं तो दैट विल इमीडिएटली स्टार्ट डिसेंडिंग इन कलर स्ट्रिक्स ऐसे। तो ये प्योर है, अगर चिली पाउडर में मिलावट नहीं है तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर उसमें मिलावट है तो ये आपको वो जो कलर ऐड किया गया है चिली पाउडर में ये इस तरह से वो रहेगा। तो इससे इस टेस्ट से हम इजीली पहचान सकेंगे कि प्योर चिली पाउडर कौन सी है और एडल्ट्रेटेड मतलब चिली पाउडर में मिलावट कैसे की गई है, मिलावट की गई चिली पाउडर कैसी है। ओके, तीसरा जो टेस्ट है हमारा डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल कलर इन टर्मरिक पाउडर। हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिक्स मिलावट की है नहीं ये हम कैसे पहचानेंगे। तो क्या करना है आपको, एक टीस्पून या एक चम्मच टर्मरिक पाउडर आपको ग्लास में वाटर में ऐड करना है। अगर वो टर्मरिक पाउडर नेचुरल है तो इट विल लूज लाइट येलो कलर वाइल सेटलिंग डाउन, तो बॉटम में जाएगा इस तरह से। ये प्योर हल्दी पाउडर है और
एडल्ट्रेटेड पाउडर अगर रहेगा तो ये जो वाटर है ये पूरा का पूरा येलो हो जाएगा. सी हियर, एडल्ट्रेटेड टर्मरिक पाउडर विल लीव अ स्ट्रॉन्ग येलो कलर इन वाटर वाइल सेटलिंग डाउन. मतलब जब भी वो बॉटम में चला जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग कलर, स्ट्रॉन्ग येलो कलर रहेगा वाटर का. इसका मतलब है ये हल्दी पाउडर में मिलावट की गई है. ये देखो, ये आपको समझ में आएगा, ये प्योर है, प्योर हल्दी पाउडर है और ये हल्दी पाउडर है लेकिन उसमें कलर की, येलो कलर की मिलावट की है. तो ये हो गया एडल्ट्रेटेड टर्मरिक पाउडर या फिर इसमें मिलावट की है. नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉमन सॉल्ट एंड आयोडाइज सॉल्ट. आयोडाइज सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट में हम कैसे डिफरेंस करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक ए कट पीस ऑफ पोटैटो. आपको एक पोटैटो का पीस लेना है और उस पर सॉल्ट आपको ऐड करना है एंड थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना है. उसके बाद ऐड टू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस. लेमन जूस के एक दो तीन ड्रॉप्स आपको वहां पे डालने हैं. अगर वो सॉल्ट आयोडाइज सॉल्ट है सो व्हाट विल हैपन, सो दैट ब्लू कलर विल बी डेवलप. आयोडाइज सॉल्ट अगर वहां पे रहेगा तो वहां पे ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा. अगर वो कॉमन सॉल्ट है तो वहां पे ब्लू कलर नहीं डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टार्च, पोटैटो में स्टार्च रहता है और स्टार्च के साथ अगर हम आयोडीन की रिएक्शन करेंगे तो वहां पे ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा. तो ये आयोडाइज सॉल्ट है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये पोटैटो चिप्स पे, ये पोटैटो पे सॉल्ट हमने डाला है सैंपल, उसके बाद ये दो तीन ड्रॉप्स लेमन जूस के डाले है और वहां पे ये आयोडीन, अगर आयोडाइज सॉल्ट है तो वो ब्लू कलर उसका कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा. इसका मतलब है ये जो सॉल्ट हमने यहाँ पे लिया था टेस्टिंग के लिए ये आयोडाइज सॉल्ट है. अगर वहां पे ब्लू कलर नहीं डेवलप हुआ इसका मतलब है वो कॉमन सॉल्ट है, इसका मतलब वो आयोडाइज सॉल्ट नहीं है. तो ये हो गई सिंपल टेस्ट. उसके बाद हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ कलर्ड ड्राइड टेंड्रिल्स ऑफ मेज कॉम इन सैफ्रॉन. जो हमारी मक्का रहती है, मक्का के जो टेंड्रिल्स रहते हैं तो वो सैफ्रॉन में, केसर में वो उसकी मिलावट की जा सकती है. तो वो हम कैसे पहचानेंगे, तो जो प्योर जो क्वालिटी का सैफ्रॉन है इट विल नॉट ब्रेक इजीली लाइक आर्टिफिशियल. तो प्योर सैफ्रॉन है तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता, लेकिन आर्टिफिशियल सैफ्रॉन जो है विच वो कैसे तैयार किया जाए, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग ऑफ दैट मेज कॉम इन शुगर एंड कलरिंग इट विद द कोल टार. उसको कलर किया जाता है कोल टार से. और अगर आपको चेक करना है कि ये प्योर सैफ्रॉन है या नहीं तो आपको क्या करना है, टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर एंड एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैफ्रॉन. ग्लास वाटर या वाटर ग्लास में आपको कुछ स्मॉल क्वांटिटी सैफ्रॉन के ऐड करना है. अगर वो सैफ्रॉन एडल्ट्रेटेड है, उसमें कुछ मिलावट है आर्टिफिशियल कलर से, तो आर्टिफिशियल कलर जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा वेरी फास्टली. अगर वो प्योर सैफ्रॉन है सो दैट व्हेन अलाउड टू डिजॉल्व इन वाटर सो दैट विल कंटिन्यू टू गिव इट सैफ्रॉन कलर सो लॉन्ग एज इट लास्ट. ये देखिए, ये सैफ्रॉन है प्योर सैफ्रॉन, इसका कलर वहां पे नहीं जाएगा. अगर कलर मेज टेंड्रिल्स वहां पे ऐड किए गए हैं तो बना मिलावट की गई है तो ये कलर वहां पे निकल जाएगा. और तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सैफ्रॉन है, ये जो केसर है, ये एडल्ट्रेटेड है, इसमें मिलावट की गई है या नहीं, तो आप इजीली वहां पे पहचान सकोगे. तो फ्रेंड्स, तो ये अलग अलग टेस्ट हमने यहाँ पे देखे हैं. आज के दिन जो फूड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है और जिसकी थीम है सेफ फूड टुडे फॉर हेल्थी टुमॉरो, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो टू ऑल योर कॉन्टैक्ट्स. थैंक यू.